أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 کے ذیل میں چل رہی تھی، اور جس طرح مفسرین نے بھی بیان کیا اور ممکن ہے ظاہر آیت بھی یہی ہو کہ یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے متصل ہیں، اور جواب ہے اس مشرکانہ فکر کا کہ جو یہاں پر آیت میں یہودی اور نصارہ کے حوالے سے بیان ہوا، کہ وقالو کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے لیے اولاد کو انتخاب کیا، ولد کو، بیٹے کو انتخاب کیا یا اولاد کو انتخاب کیا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اتخذہ یعنی اخذ کرنا، لینا، کہ اللہ نے لیا ہے اپنے لیے اولاد کو. یہ جیسا کہ یہودی سے جو نقل کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ حضرت عزیر جو نبی تھے وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کیا تھا کہ یہاں پر مفسرین نے جو ہے وہ آگے کی آیت کو جواب کے طور پر بیان کیا ہے،
अब इसको जो है वो मुतअद्दिद जवाबात कहें, यानी दो से ज़्यादा जवाबात हैं, या दो जवाबात हैं, जैसे अल्लामा तबतबाई तफसीर मीज़ान में कहते हैं कि दो जवाबात हैं, लेकिन मुल्ला फतुल्ला काशानी अपनी तफसीर ज़ुब्दतुत तफासीर में इसको तकरीबन पांच जवाबात शुमार करते हैं। एक सुबहानहू का लफ्ज़, एक लहू मा फिस समावाति वल अर्वे, एक कुल्लु लहू कानितून, एक बदीउ समावाति वल अर्वे, और एक पांचवा जो है वह इज़ा कज़ा अमरन फ इन्नमा यकुल लहू कुन फयकून। अला ये हाल, यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि देखें, तफसीर में तीन चीज़ें होती हैं, या कुरान की किसी भी आयत में तीन चीज़ें हैं। एक उसका तर्जुमा है, और तर्जुमा आयत नंबर 116 का हमने एक हद तक आपकी खिदमत बयान किया था, आज दोबारा उसको तकरार करेंगे। एक आपस में आयतों का कनेक्शन है जो ज़ुहूर आयत कहलाती है, और एक कुरान की आयत का बतन है, बातिन है, जो सिवाय अहले बैत अतहार के कोई बयान नहीं कर सकता है। और तर्जुमा तो इसका वाज़े है कि वकालू, उन लोगों ने कहा। अभी उन लोगों ने कहा कौन है? ज़ाहरा इसमें शायद इख्तिलाफ ना हो कि अहले किताब के जो यहूदी और नसारा हैं, उन लोगों ने कहा। अब यहाँ पर जो है वो बज़ाहिर एक शुबा हमारे जहन में है, लेकिन आगे आने वाली आयत इस शुबे को, इस डाउट को दूर करती है। क्या है, तवज्जो करें। एक दफ़ा ये है कि खुदावंद मुताल अपने लिए औलाद को, बेटे को, या जिस तरह मुशरिकीन ने मक्का कहते थे कि खुदावंद मुताल की बेटियां हैं, तो कि मलाइका जो है वो खुदा की बेटियां हैं, ये मुशरिकीन ने मक्का जो है वो इस तरह खुदा की तरफ नस्बत देते थे। तो अब यहां पर तवज्जो करें, इस आयत में दो एहतमाल है। एक दफा जो है वो औलाद उसी तरह औलाद जिस तरह इंसानों की औलाद होती है, कि माँ के रहम में जो वो बच्चा करार पाता है, और एक मुद्दत गुजरने के बाद
वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो एक जो है वो औलाद का ये माना है, औलाद का तो माना यही होता है, लेकिन एक दफ़ा मुराद यही है कि जिस तरीके से एक इंसान का बच्चा जिस तरह दुनिया में आता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा मुताल ने भी इसी तरीके से बच्चे को जना है। अच्छा, यहाँ पर आयत में इस तरीके से नहीं है, जिस तरह सूरह तौहीद में क्या है, सूरह तौहीद में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, न उसने किसी को जना है न वो किसी से पैदा हुआ है, वहाँ पर आयत वाज़ेतर है। यहाँ पर तो मुमकिन है वक़ालु तख़ज़ अल्लाहु वलदा के इन लोगों की मुराद भी ये हो, एक एहतमाल। दूसरा एहतमाल ये कि नहीं, इत्तख़ज़ा यानि जो है वो एक मजाजन ये कहा गया और तशरीफन, तशरीफन ने किसी को बड़ा चढ़ाने के लिए या एक फकत निस्बत देने के लिए कि ये उनका बेटा है, यानि यानि ये कि खुदा ने अपना बेटा इनको करार दिया, हकीकी में हकीकत में खुदा ने तौलीद नहीं की है, खुदा ने डिलीवर नहीं किया है, खुदा ने पैदा नहीं किया है। और यहाँ पर भी लफ्ज़ जो है इत्तखज़ा आया है, इत्तखज़ा ने किसी को अल्लाह किसी के वलद अख्ज़ करता है, लेता है, यानी एक मजाजन जो है वो निस्बत दी जाती है। जैसे खुद कुरान ज़ाहिरन यहूदियों के बारे में है कि यहूदी कहते हैं कि नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं। और मालूम है कि हर यहूदी जो कि वो जो दुनिया में हैं वो कतन जो कि वो खुदा ने जो को पैदा नहीं किया है, लेकिन ये अपनी बुजुर्गी के लिए, यहूदी अपने बढ़ाई के लिए कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाओ, कि हम खुदा के फर्जंद और खुदा के दोस्त हैं और चाहने वाले हैं, हम खुदा के महबूब हैं और हम खुदा के बेटे हैं। तो ये जो कुरान कहते नहनु अबनाउल्लाह, अब यहाँ पर कतन जो वो यहूदी भी ये नहीं कहते कि खुदा ने जो उनको पैदा किया जिस तरीके से इंसान पैदा करता है, लेकिन ये दो एहतमाल है। लेकिन अक्सर मुफस्सरीन ने जो कि यहाँ पर तौलीद का माना किया है, विलादत के माना किया, यानी पहला वाला एहतमाल। दो एहतमाल क्लियर हो गए। पहला एहतमाल क्या था? पहला एहतमाल ये था कि पहली पॉसिबिलिटी कुरान की आयत की क्या थी कि विलादत, जिस तरह इंसान बच्चे को पैदा करता है, इंसान से बच्चा पैदा होता है। और एक दफ़ा दूसरा माना क्या है कि नहीं, फ़कत व फ़कत जो किसी की बुजुर्गी के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए, या खुदा जो किसी को बुजुर्ग करार देने के लिए उसको अपना बेटा करार दे रहा है। सही ना, जैसे ज़ियारत इमाम हादी अलैहिस्सलाम में एक लफ्ज़ आया है अहले बैत अतहारुस्सलाम के लिए, और ज़ाहिरन बाज़ रिवायतों में भी आया है आलुल्लाह, कि ये अल्लाह की आल हैं। सही ना, तो ये एक शरफ देने के लिए, एक बुजुर्गी देने के लिए। खूब, तो और जैसा कि आपकी खिदमत में कि कुरान की आयत भी पेश की नहनु अबनाउल्लाह, कि यहूदी या ईसाई जो भी हैं जिनका भी ये मकूला है कि हम अल्लाह के बेटे हैं, यानि ये हमें शरफ है कि हम खुदा के नज़दीक तरीन हैं, जिस तरह औलाद अपने माँ बाप से करीब तरीन और नज़दीक तरीन और उनके चहीते होते हैं, हम भी खुदा के बेटे हैं। तो ये भी एक एहतमाल है, अगरचे मुफस्सरीन ने ये एहतमाल, मैंने नहीं देखा कि किसी मुफस्सिर ने ये एहतमाल दिया हो, लेकिन ये ख़ास तौर पर इत्तख़ज़ अल्लाहु से ये एक तवहुम आता है दूसरे एहतमाल का।
लेकिन पहले एहतमाल के लिए सूरह तौहीद की आयत के लम यलिद व लम यूलद कि न उसने किसी न उसने किसी को जना है, न उसने किसी को पैदा किया है, न वो किसी से पैदा हुआ है। सही ना, लम यलिद व लम यूलद। अब जो आगे की कुरान की आयत हैं वो जाहिरन उसी पहले एहतमाल को मुमकिन है बयान करें जिस तरह मुफस्सरीन ने बयान किया कि तवज्जो करें विलादत में क्या होता है। विलादत में चंद चीज़ें होती हैं। अब ये चंद चीज़ें जब मुलाहिज़ा की जाएगी तो आगे के जो बयान है वो जवाबन जो जवाब कुरान की आयत जो आगे की आयत है वो इस शुबे और इस डाउट को, कौन सा डाउट, ये जो देखिए दो चीज़ें हो गई कि ये लोग खुदा की तरफ जो है वो निस्बत देते हैं खुदा के औलाद का, ये डाउट, ये निस्बत देना। अभी ये निस्बत हमने दो एहतमाल बयान किए इसमें। एक एहतमाल ये कि हकीकी बच्चा, जिस तरह हकीकी दुनिया में माँ बाप का बच्चा होता है, इस तरह खुदा ने जो है वो खुदा के लिए कोई बेटा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी तशरीफन और जो है वो मसलन जो वो खुदावंद मुताल फ़ख्र के तौर पर जो है वो बेटे को इंतखाब करता है या औलाद को इंतखाब करता है उनकी भी बुजुर्गी को बयान करने के लिए। अला आई हाल अगर हम यहाँ पर इंसानी विलादत की तरह तसव्वुर करें इस आयत को तो यहाँ पर जो वो ये जो आगे की आयत है सबसे पहले लफ्ज आया सुबहानहू, सुबहानहू। अच्छा जब सुबहानहू का मतलब हमने बयान किया था, सुबहानहू का मतलब क्या है, सुबहानहू का मतलब है खुदा हर ऐब से मुबर्रा है, खुदा हर ऐब से पाक है, ये तस्बीह का माना है। तस्बीह का माना क्या है, यानी खुदा हर ऐब से पाक है। अब जब इंसान अपने लिए अगर यानी खुदा ने मुताल का अगर कोई इसी तरीके से विलादत होती हो जिस तरह की इंसान की विलादत है तो विलादत में चंद चीज़ें हैं। क्या चीज़ें होती है विलादत में, एक ये होता है विलादत में कि इंसान की हालत तब्दील होती है, इंसान की हालत तब्दील होती है, इंसान कोई जिस्म होना चाहिए तो विलादत होगी, गैर जिस्म की विलादत नहीं हो सकती है, जहाँ पे जिस्म ना हो वहाँ पे विलादत माकूल नहीं है। विलादत हमेशा वहाँ पर होती है जहाँ पे जिस्म हो, एक। दूसरा जिस की विलादत होती है वो तब्दीली उसके अंदर आती है, सही ना, उसके अंदर चेंजेस आती है। और तीसरा जो विलादत में एक चीज़ और बयान की जाती है वो ये कि इंसान के अज्जा उस बच्चे के अंदर मुंतकिल होते हैं। खूब ये तीनों चीज़ें खुदावंद मुताल की निस्बत खुदा पाक है इन चीज़ों से, सुबहानहू खुदा पाक है, खुदा जिस्म और जिस्मानियत से मुबर्रा है, पाक है जिस्म और जिस्मानियत से, क्योंकि जिस्म खुदावंद मुताल का जिस्म नहीं है, सही है ना। और यही शिया अकीदा है कि खुदा जिस्म नहीं रखता है, क्योंकि जिस्म जो है वो मोहताज होता है, बदन का मोहताज होता है, लिमिटेशन लेकर आता है, महदूदियत लेकर आता है। तो अगर विलादत इस तरीके से जैसे इंसानों की हो तो उसके लिए जिस्म को फर्ज करना पड़ेगा और खुदा जिस्म से मुबर्रा है। खुदा के अज्जा फर्ज करने पड़ेंगे जो बच्चे में मुंतकिल होते हैं। खुदा सुबहानहू पाक और पाकीज़ा है, और जहाँ पर विलादत होती है वहाँ पर इंसान के अंदर एक तब्दीली रूनुमा होती है, एक तब्दीली वाक़ होती है, और खुदा किसी हाल खुदा जो कि वो महले हवादिस है, खुदा के अंदर हालात तब्दील नहीं होते। महले हदा जो हम सारी सही सिफारत सलबिया में पढ़ते हैं, महले हवादिस ना, खुदा ऐसी ज़ात नहीं कि जिसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ, जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ हालात होते हैं कि कभी बच्चा होता है कभी जवान होता है। तो मिसाल के तौर पर जो औरत की यहाँ विलादत होती है तो उसकी हालतें तब्दील होती है, तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा ने मुताल जो महले हवादिस नहीं है,
खुदा के अंदर तब्दीली नहीं है, खुदा मुनफाइल नहीं होता है। मुनफाइल यानी क्या मतलब? असर पजीर होना, असर पजीर होना। यानी मिसाल के तौर पर अगर पानी को आप गर्म करें तो पानी में गर्माहट पैदा हो जाएगी। तो ये इसको कहते हैं कि पानी मुनफाइल हो गया या पानी सर्द हो गया। अगर आपने फ्रिज में रख दिया उसे तो पानी ठंडा हो गया, तो पानी मुनफाइल हो गया, पानी ठंडा हो गया, चेंज हुआ, पानी की हालतें तब्दील हो रही है। तो औलाद के लिए भी ये सारे मराहिल हैं जो आपकी खिदमत बयान किया। और एक मरहला जो वो क्या है, ताकि जो आगे की आयत हमें और मजीद वाजी हो जाए, और एक ये कि जो विलादत हुआ करती है वो मरहले वाइज होती है। एक ऐसा नहीं है कि बच्चे की जो विलादत होती है वो जो वो कुन फयकून की तरह है, नहीं, वो मसलन 9 महीने या एक जो प्रोसेस है वो जो वो गुजार कर जो कि वो विलादत होती है। तो सुबहानहु जो वो खुदा जो वो चूँकि इंसान और जिस्म और लई जकमी सही शई ओन कि वो किसी चीज़ की मानिन नहीं है, खुदा जिस्म नहीं रखता है, खुदा मोहताज नहीं है, खुदा मुबर्रा है। और ये सारी जो सिफात बयान की विलादत की, ये सारी की सारी जो है वो एक इंसान की खसूसियत है, एक मखलूक की खसूसियत है, एक जिस्म और जिस्मानियत की खसूसियत है, एक उस हस्ती की खसूसियत है कि जो लिमिटेड और महदूद है, और खुदावंद मुताला इन सबसे क्या है? मुबर्रा है। ये लफ्ज़ सुबहानहु एक जवाब के तौर पर जिस तरह फतुल्लाह काशानी ने बयान किया। अगर चाहे अल्लाह तबारक ने सुबहानहु बल लहू माफी समावाती और अर्ज़ कुल्लु लहू क़ानितून इसको एक जवाब करार दिया, और बदी और समावाती वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून को दो जवाब करार दिए। लेकिन जो है वो इन्होंने साहिब ज़ुब्दतु तफ़ासीर ने सुबहानहु को एक जवाब करार दिया। हो दूसरा जवाब क्या है? बल लहू माफी समावाती वल अर्ज़, बल्कि खुदावंद मुताल के लिए है, खुदा की मिल्कियत में है, खुदा के इख्तियार में है हर वो चीज़ जो ज़मीन और आसमान में है। और ये जो है वो जो बच्चा होता है वो उसकी मिल्कियत में नहीं है, सही ना, न फ़िक़ी लिहाज से, न अख़लाक़ी लिहाज से, न दुनियावी लिहाज से वो उसकी मिल्कियत में नहीं होता, बल्कि वो ख़ुद अपनी ज़ात में मुस्तक़िल हुआ करता है, सही ना। तो ये एक जवाब के तौर पर जो वो पेश किया कि खुदा के लिए कैसे वलद हो सकता है कि हर चीज़ दुनिया और आखिर दुनिया ज़मीन और आसमान की हर चीज़ जो वो उसकी मिल्कियत में है, उसके इख्तियार में है, और पूरा का पूरा जो कि वो पूरी की पूरी विलायत जो कि उसके ऊपर है। कुल्लुन लहू क़ानितून, क़ानितून हमने शायद पिछली दफ़ा जो माना किया था इबादत का माना किया था, नहीं इबादत इसके शायद एक्चुअल माना ना हो, अगर इसके एक्चुअल माना में खुद इख्तिलाफ है कि इसके एक्चुअल क़ानितून के एक्चुअल माना क्या है, क्योंकि अल्लामा तबरसी साहिब तफसीर मजमुल बयान कहते हैं क़ानितून की लफ्जी माना होता है ज़ाहिरन तवील, तूल देना, तवील, और फिर मुख्तलिफ मानों के लिए आता है, इताअत के लिए भी आता है, इबादत के लिए भी आता है, कुनू खुजू खुशू के लिए भी आता है, मुख्तलिफ मानों के लिए आता है। लेकिन ज़ाहिरन जो हमने जो थोड़ी बहुत लुगत देखी, क़ानितून जो है वो खुजू के मानों में आता है। खुजू का मतलब क्या? खुजू और इताअत के मानों में आता है। खुजू का मतलब क्या होता है? खुजू का मतलब क्या होता है? यानी एक चीज किसी के सामने जलील और खाजे हो। मिसाल दूं मैं आपको कि मिसाल के तौर पर आपके हाथ में वो जो बच्चों का क्ले होता है, वो मट्टी तो नहीं होती है लेकिन एक नरम जो है वो मोम की तरह होता है, या नरम मोम आप बना दें कि जैसा आप उसको मोड़ें
तो वो बिल्कुल आपके इख्तियार में है, जैसी शक्ल आप बनाना चाहें, फ्लाइंग कहें, सही ना, जो आपके इख्तियार में है कि जैसा जो कि आप उसको बनाना चाहें, तो आपके सामने वो खाजे है, जैसा आप मोड़ेंगे, जैसा आप उसकी शक्ल बनाएंगे, जैसा आप उसको रूप देना चाहेंगे, वो उस रूप में आ जाएगा। या जैसे मिसाल के तौर पानी और मिट्टी से अगर आप जो वो गारा बनाए और ऐसा एक कीचड़ बनाए कि जो एकदम वाटर पानी की शक्ल में ना हो, और उससे अगर आप कोई चीज़ अगर आप बनाना चाहें, तो जो वो आप जो शक्ल बनाना चाहें, जो स्टैचू बनाना चाहें, बना सकते हैं, सही है ना। तो ये क्या है, ये चीज़ आपके सामने जलील और खाजे है, यानी फुल कंट्रोल में है, मुती है आपका, सही ना। बंदे को खुदा के सामने ऐसा ही मुती होना चाहिए, बंदे को, इंसान को खुदा के सामने ऐसा ही मुती होना चाहिए कि जब वो जिस चीज का इरादा करे, बंदा फौरन जो कि उसकी इताअत और उसकी फॉलोइंग में उसका उसके इरादे के मुताबिक ढल जाए। ये कमाले बंदगी है, ये कमाले इताअत है। तवज्जो किया, तो कानितून यानी जलील और खाशे होना, यानी खुदा जब किसी को कोई मिसाल के तौर खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन और आसमान का एक निज़ाम बनाया, सोलर का एक निज़ाम बनाया, पूरी जो वो गैलेक्सी एक बनाई, अब खुदा ने जो फरिश्तों को हुक्म दिया, जो इस पूरी कायनात को जो हुक्म दिया, वो उस खुदा की इताअत में है। खुदा की इताअत में यानी क्या मतलब, देखिए खुदा की इताअत में का मतलब ये नहीं कि वो नमाज और रोज़ा कर रहे हैं, अगर जब बात कुरान की आयत की, इंशाल्लाह अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि वो खुदा की तस्बीह करते हैं, तो आया खुदा की तस्बीह से मुराद वाकई खुदा की तस्बीह है, या खुदा की जो वो इताअत में है कि जो खुदा की नाफरमानी नहीं करते हैं, अपने मदार और अपने एक्सेल में जो वो घूमते रहते हैं, और खुदा के दिए हुए निज़ाम और खुदा के दिए हुए ऑर्डर को जो वो नाफरमानी नहीं करते हैं। कानितून जो वो ये खाजे, खुशू जलील होना, सही ना, खाजे और खाशे, खाजे और खाशे का मतलब क्या है, हम खुदा के सामने खाजे और खाशे हैं, यानी क्या मतलब, यानी कि जो खुदा हमको ऑर्डर दे, जो हमको हुक्म दे, उसको फौरन ओबे करना, फॉलो करना, इताअत करना। इसीलिए जो कानित का जो को एक और माना जो वो दिए बयान किया करते हैं लुगत में, इताअत के माना भी करते हैं, क्योंकि जब इंसान जलील और खाशे और खाजे होता है तो उसकी उसके तहते फरमान होता है, उसके ऑर्डर के अंडर में होता है, उसकी इताअत के अंडर में होता है, उसके उसके फॉलोइंग में होता है, सही ना। तो लहू कानितून, कुल लहू कानितून, हर चीज जमीन और आसमान की खुदा के खाजे और खाशे हैं, खाजे और खाशे हैं। हो, लिहाजा इसको भी जो वो बेउनवाने जवाबन जो वो बयान किया, अगर चाहे आयत देखें, हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि एक दफा आप इसका तर्जुमा कर दे, कुल लहू कानितून, वो मैंने आपकी खिदमत में कर दिया। अब ये आयत कालू इत्तखज़ अल्लाहु वलदा के लिए किस तरीके से जवाब हो सकता है, तो ये जो वो इस अंदाज से जवाब हो सकता है कि कुल लहू कानितून, असल खुदा को जो वो किसी को अपना बेटा बनाने की जरूरत नहीं है, हर चीज जो वो खुदा के अंदर सिर्फ हजरत उजैर नहीं, फकत जो कि वो हजरत ईसा नहीं, हर चीज जो वो खुदा की जो कि वो औलाद, बहरहाल इस एतबार से कानित और जो वो जलील और खाजे और खाशे नहीं होती हमेशा, सही है ना, और हर चीज में नहीं होती है, सही है ना। तो ये भी जो बेउनवान है जो वो जवाबन जो वो मुफस्सरीन ने बयान किया। बहरहाल हमने तर्जुमा एक मरहला है, दूसरा ये आयत को कनेक्ट करना एक मरहला है, और वो हमने आपकी खिदमत में बयान किया। बदी और समावाती वर्ज है आयत नंबर 17, ये भी जो वो उसी गुज़िश्ता आयत से कनेक्ट करते हैं, और अल्लामा तबतबा इसको भी उन्होंने जवाब सानी और दूसरे जवाब के तौर पर जो वो बयान करते हैं। बदी और समावाती वर्ज है, खुदा की सिफत है बदी, बदी किसे कहते हैं, हो
बदी जो है वो किसी चीज़ को ईजाद करना, खल करना, पैदा करना बग़ैर किसी मिसाल के। मिसाल के तौर पर जो है वो एरोप्लेन बनाया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम जिसने एरोप्लेन बनाया तो उसने जो है वो सामने परिंदों को देखा, तो परिंदे उनके लिए एग्जाम्पल्स हैं। ये लफ्ज़ वाज़े है, यानी विदाउट एनी एग्जाम्पल खुदा का किसी तमाम की तमाम चीज़ों का खल करना, ईजाद करना, ऐसा नहीं कि किसी को देख कर, किसी मिसाल को देख कर खुदा उन्हें मुताल ने खल किया हो, बग़ैर किसी एग्जाम्पल के, बग़ैर किसी मिसाल के, बग़ैर किसी शबी के खुदा ने जो कायनात को खल किया, ज़मीन व आसमान को खल किया। बदी और समावाती और अर्ज़ है, खुदा ने ज़मीन व आसमान को खल किया है, तो किसी की चीटिंग में या किसी की एग्जाम्पल में या किसी के शबी या किसी को देख कर नहीं खल किया है। तो जो कि इसको कहते हैं बदी। खल्क और बदी में ये एक फ़र्क है। खल्क यानी मुतलकन ईजाद करना, खल्क यानी ईजाद करना। अब खल्क के मानों में कहते हैं कि जो वो अदम से वजूद देना, ना हो कोई चीज़ और अदम से किसी चीज़ को वजूद दें तो उसको कहते हैं खल्क। बदी में खल्क के साथ ये मफहूम भी अंदर पोशीदा है, जिस तरीके से बाद रिवायात भी बयान करती हैं कि बग़ैर किसी मिसाल के, बग़ैर किसी शबी के, बग़ैर किसी एग्जाम्पल के खुदा ने मुताल ने ज़मीन व आसमान को खल्क किया है। तो वो खुदा के जो ज़मीन व आसमान को खल्क कर सकता है उसके लिए ये बच्चा पैदा करना क्या माना रखता है, क्या माना रखता है? कोई माना नहीं रखता है। वो तो ज़मीन व आसमान का खालिक है, ज़मीन व आसमान का खालिक है। और बच्चे की खिलकत में तदरीज है, मरहले वाइज है, जो है वो एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होना है। वो खुदा बदी और समावाती और अर्ज़ है, ज़मीन व आसमान का खल्क करने वाला है, बग़ैर किसी शबी, बग़ैर किसी मिसाल के खल्क करने वाला है। और फिर जो है वो आखिरी टुकड़ा के वह इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। और जब खुदा किसी चीज़ का जो वो इरादा करता है, वह इज़ा क़ज़ा अमरन, जब खुदा जो वो एक अम्र को हतमी करार देता है और जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो फ़इन्नमा यकूलु लहू, तो खुदा उसको क्या कहता है? कुन। वह इज़ा क़ज़ा अमरन, वह इज़ा जब, क़ज़ा यानी जब खुदा इरादा करता है अमरन किसी अम्र का, किसी चीज़ का, तो क्या करता है? फ़इन्नमा यकूलु, तो खुदा सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है? लहू, उस चीज़ को कहता है कुन, हो जा। फ़यकून, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? हो जाती है। बच्चे की विलादत में कुन फ़यकून नहीं है। और खुदा क्या है? खुदा को असल बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मुमलिकत, उसकी बादशाहत, उसकी उसका सुल्ता, उसका इख्तियार हर चीज़ के ऊपर कैसा है? कुल्लुन लहू क़ानितून। और खुदा को असल कोई चीज़ जो वो मरहले वाइज जो वो पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब खुदा ने मुताल किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कहते हैं हो जाए, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जो फरमाया आपने, और ये जो आयत है वह इन्नमा क़ज़ा अमरुहू, ये आयत जो वो मुतअद्दिद मरतबा क़ुरान में मुतअद्दिद अल्फाज के साथ आई है, मतलब जैसे कहीं पर कुरान इस तरीके से बयान करते हैं इन्नमा अमरुहू इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फ़यकून। इन्नमा अमरुहू, खुदा का अमर किया है कि इज़ा अरादा शैयन, जब खुदा किसी शय का इरादा करता है तो उसको कुन कहता है, तो वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता बयान कर दें कि बाद मुफसरीन ने भी इस नुक्ते को बयान किया है और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर खुदावंद मुताल, देखिए
ऐसा नहीं है कि खुदा मोहताज है किसी चीज का, खुदा मोहताज है किसी चीज का, यानी क्या मतलब? अगर खुदा मोहताज हो, कौन कहेगा तो वो चीज खल्क होगी, तो ये खुदा का मोहताज होना साबित आएगा कि खुदा कौन कहने का मोहताज है। खुदा इस लफ्ज का भी मोहताज नहीं है। ये खुदा जब किसी चीज को खल्क करता है तो उसके लिए इरादा करता है। ये जो है वो एक समझाने के लिए है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन। खुदा का अमर क्या है कि जब खुदा किसी शय का इरादा करता है तो उसको कहता है हो जा, तो वो चीज हो जाती है। तो ये इतने मरहले नहीं चाहिए खुदा को। खुदा ने एक चीज का इरादा किया हुआ है, खुदा इरादा करता है कि फला चीज, ये पहाड़ खल्क हो जाए, खुदा ने इरादा किया खल्क हो गया। खुदा ने इरादा किया 7 आसमान खल्क हो जाए, खुदा ने इरादा किया खल्क हो गया। कितनी देर लगी? एक और सूरह, एक और जो है वो आयत में, ज़ाहिरन सूरह यासीन की आयत नंबर 82 में, वमा अमरुना इल्ला वाहिदतन। खुदा का अम्र सिर्फ एक है, क्या है? कलम हिल बसर, कलम हिल बिल बसर, पलक झपकने के लिए, वो पलक झपकने के लिए ने, टाइम टेकिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रोसीजर से, किसी मरहले से गुजरता है। खुदा का अम्र कलम हिम कलम हिम बिल बसर, जैसे जैसे पलक झपकने में कैसा जो माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये चीज हो जाती है। खुदा अब ये भी हमें समझाने के लिए है, वरना असल ये कुछ भी नहीं है। खुदा सिर्फ इरादा करता है, खुदा का इरादा है कि ये चीज हो जाए। अच्छा तवज्जो करें, खुदा ऐसा नहीं कि जिस चीज का इरादा करे, यानी किसी चीज को अमल में लाने से पहले इरादा करता है, सही ना? नहीं, खुदा के इल्म में है, खुदा के इरादे में कि एक चीज मिसाल के तौर पर जो वो 2000 साल पहले खल्क करना है, एक चीज के बारे में इरादा है कि 2000 साल के बाद खल्क करना है। खुदा का इरादा है कि जमीन और आसमान 6 दिनों में खल्क हो, जिस तरीके से कुरान की आयत बयान होती है, तो वो 6 दिनों का बाद खल्क होगा, सही ना? तो ये खुदा के इरादे में है। खूब, लिहाजा खुदा के लिए जो वलद का तसव्वुर जो है वो, ये आयत भी बयान करती है, वो जो वलद का तसव्वुर है, वो वलद का तसव्वुर खुदा के यहाँ जो कि वो मुमकिन नहीं है। तो ये दो आयतें इस तरीके से जो वो बयान करते हैं कि जो वो इस यहूदियों के कहने का, और यहूदियों ने जो बात कही है खुदा की तरफ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तोहमत लगाई है, और एक खुदा की तरफ जो वो एक चीज की निस्बत दी है, खुदा जो वो अपने लिए औलाद को इंतखाब करता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो वो कुरान की आयात जो वो, ये दोनों आयतें मिलकर जो वो इसका जवाब देते हैं, सही ना? तो ये हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि आया ये लम यलिद वलम यूलद की तरह ये आयत बयान करना चाह रही है। जिस तरीके से लम यलिद वलम यूलद में क्या है, यानी वो डिलीवरी वाला, कि ना खुदा ने किसी को जो वो, ना खुदा ने किसी को पैदा किया है, ना खुदा किसी से पैदा हुआ है, या ये कि नहीं, ये फकत फकत एक जो है वो इंसान अपने फख्र के लिए, इंसान अपनी बुजुर्गी के लिए। अब वो वाला जो हमने माना बयान किया, हमने कहा कि मुफस्सिरीन ने इस चीज का एहतमाल नहीं दिया है जो हमने आपकी खिदमत में बयान किया, कि यहाँ पर शायद मुमकिन है जो वो डिलीवरी वाला, जिस तरह बच्चा जो वो एक इंसान डिलीवर करता है, उस अंदाज से नहीं हो, बल्कि खुदा से कोई एक को अपने लिए बेटा करार देता है। जिस तरीके से दुनिया में बेटा जो वो इंसान के लिए क्या हुआ करता है, जो वो एक बाइस फख्र हुआ करता है, बाइस शरफ हुआ करता है। तो खुदा मुताल ने अपने लिए उसको इंतखाब किया हो, तो ये दो एहतमाल है। लेकिन मुमकिन है आगे की आयत जिस तरह मुफसरीन बयान करते हैं कि उस माने को बयान करते हैं जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। अब यहां तक जो कोई आयत मुकम्मल हुई, आयत नंबर 118 को इंशाल्लाह जो वो
आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह देखेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अलैहि तौहीरीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।